नमस्कार, मैं हूं संदीप सिन्हा और आप देख रहे हैं जुर्म। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोहरे कत्ल की एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात जो दोस्ती से शुरू हुई, प्यार के साथ परवान चढ़ी और धोखे के साथ खत्म हुई। कहीं ऐसा ना हो जमीन भी ना रहे। दोनों माँ बेटे को समझाया ना कितनी बार, निकल जाओ इस शहर से। मुझे उन लोगों का बहुत टेंशन रहता है। सुनीता, जी हाँ, ये नाम है एक ऐसी महिला का जिसे हालातों ने मारा और अपनों ने रुसवा किया। तीन बच्चों की माँ सुनीता अपने परिवार के साथ खुश थी। एक ही सपना था उसका, उसके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने और बेहतर जिंदगी बसर करें। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुनीता के पति का देहांत हो चुका था और सुनीता के सामने आई जिंदगी की वो कड़वी हकीकत जिसका सामना उसे अब अकेले ही करना था। पड़ोसी के ताने और जमाने की बेरुखी के बावजूद भी सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। ए विश्वा, ये जो जमीन देख रहा है ना, यहाँ से वहां तक सब अपनी है। ए जमीन, जमीन थोड़ा सोचता हूँ, देखो जमीन का मालिक आ रहा है। ए सोनू, इधर आ। सुन, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने परिवार को समझा दे, ये जो जमीन है ना, ये मेरी है। ये जो जमीन है ना, इसके चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो जमीन भी ना रहे और परिवार से भी हाथ धोना पड़े। जो बात करनी है मेरी माँ से कर लेना, और वैसे भी माँ ने कहा बुरे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बहुत जवान चलने लगी है छोटू की। चल ठीक है, जा चल, जा ही रहा हूँ, चल खेल ले। आप एक बार याद रखो कि जो जमीन है उस जमीन के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। सुनीता की एक बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन अपनी बड़ी बेटी से मिलने सुनीता उसके घर गई, लेकिन उसे गुमान भी नहीं था कि वापस लौटने पर उसका सब कुछ छिन जाएगा। मुझे पड़ोसियों का बहुत टेंशन रहता है, कितने नालायक लोग हैं वो लोग, और तुम लोग बात को समझते ही नहीं हो, क्योंकि कितना टेंशन रहता है। चलो देखते हैं सोनाली दीदी कब तक आती है, फिर उनको लेके जाना पड़ेगा। क्या बात है मम्मी, कहाँ जाने की आ रही है? हाँ सोनाली बेटा, हमको दीदी के यहाँ जाना है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नहीं जा रही। बेटा तुम लोग समझते क्यों नहीं, मुझे उन लोग का बहुत टेंशन रहता है, वो लोग कितनी धमकी देते हैं। तो छोटे हो तुम लोग, क्या ध्यान रखोगे, वो लोग हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं ना तुम लोग। कुछ नहीं होगा, इतना टेंशन लेके क्यों घूम रहे हो? चलो रहे हो ना, फिर एक काम करो, तुम लोग ध्यान रखना, मुझे जाना बहुत जरूरी है, मैं जा रही हूँ। सोने पर ध्यान रखना और अच्छे से सब रखना मम्मी, ठीक है? और वो पड़ोसियों की बातों में बिल्कुल मगाना, ठीक है? बिल्कुल, चलो ठीक है, बाय बाय। जल्दी आ रहा।
सोओगी कब तुम? थोड़ी देर में सो लूंगी। अभी बोला ना सोने के लिए, तो अभी सोओगी कि थोड़ी देर में सोओगी? आप नहीं सो रही अभी? कितना उल्टा मुझे होता है तुम्हारा, बोले सो जाओ तो सो जाओ, उठो और सो। जी हाँ, सुनीता जब वापस लौटी तो घर में उसे मिली अपनी बेटी और बेटे की लाश। इस दोहरे कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची और शुरुआती जांच में उसे यकीन हो जाता है कि ये कत्ल चोरी या डकैती की वजह से नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। और जांच बढ़ने के साथ ही परत दर परत इस हत्याकांड से पर्दा उठता चला जाता है। ये केस कोई ऐसा सादा केस नहीं है और कोई छोटी बड़ी का केस नहीं है, लगाया सीधा मटी का केस है, उसको अच्छे तरीके से देखेगा करके आपको उसको तो फटाफट हम ये फटाफट सबको लेके रिपोर्ट करता करेगी और बाकी हम सबको थाने में जाते हैं। चलो ठीक है। जिसने कत्ल किया था वो था सुनीता की छोटी बेटी का प्रेमी अजय, जिसके प्यार में सुनीता की बेटी दीवानी थी और उसकी दीवानगी ही उसकी मौत की वजह बनी। बता जल्दी फटाफट। साहब मैंने नहीं मारा साहब, सब बस धमकी देते थे उसको, बस बस धमकी देते थे। बाकी वो रमेश से पूछ लो सर, रमेश था। मारा नहीं तूने? नहीं सर मैंने नहीं मारा सर, रमेश से पूछ लो सर। इसको लेके जाओ, रमेश को ले जाओ। बता तूने मारा था? नहीं साहब। बता बोले सर आप राजेश से पूछ लीजिए सर।
वो उसके परिवार में सोनाली उसके भाई बहन सबको जानता था, पूरा परिवार जानता है सर, पूरा गांव जानता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इस तरीके का काम मैं नहीं कर सकता। हम केवल उनके परिवार को डरा के रखते थे सर, ताकि हम उनकी जमीन पे कब्जा कर सके और वो यहाँ से निकल जाए। पता तो लगा कि तू नहीं करा, तू पड़ोसी था ना उसका? नहीं सर, मैं नहीं कर रहा सर। अगर आपने कभी भी सर मुझे आपकी इंक्वायरी में मेरा नाम आए तो आप जब बोलेंगे मैं खुद सरेंडर कर दूंगा सर। लेके जाए उसको, राजेश को लेके आओ। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सोनाली को और किसको? और सोनाली बताओ तेरे को, हैं? बताओ तेरे को, बता सर। देख अच्छे से बता दे, मुझे पता है कि तेरा सोनाली के साथ में कुछ लफड़ा था, समझा ना? सर बता दे सर। कह रहा सोनाली को मैं जानता था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैंने उसके कुछ ऐसा नहीं किया था सर, लेकिन है ना वो ही मेरे पीछे पड़ी थी। वो मेरे को बार बार है ना शादी का बोलती थी और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि पूरे गांव वालों में ना वो मेरे को ये बोलती थी कि मैं तेरे बारे में सबको बता दूंगी, बस और कुछ नहीं देता। तो मैंने इस चक्कर में उसको मार दिया। मैंने बोला ना अभी मिलना है। देखो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ, चुपचाप आ जा। बोला ना? बिल्कुल पता समझाने, लेकिन वो नहीं समझी। उसकी माँ भी नहीं थी घर पे, इसलिए मेरे को उसको मारना पड़ा। मैं नहीं चाह रहा था मारना उसको। अरे तो जब तू नहीं मारा था तो उसके भाई को क्यों मारा तुमने? सर मैं उसके भाई को भी नहीं मारता, लेकिन उसके भाई ने मेरे को देख लिया था उसको मारते हुए, इसलिए मेरे को उसके भाई को भी मारना पड़ा। और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। यार मैं क्या करूं यार, मैं तुम्हें बोलूं तुम मुझे बहुत मजबूर कर रहे हो। धमकी मत दो, जब बोला जाए आओ आ जाए तो आ जाए। मैं नहीं आ सकता बार बार, मैंने बोला ना। धमकी मत दो, छोड़ो। तू बता सर, बस यही है, मैंने और कुछ नहीं। मैं क्या सोचा था कि तू आसानी से बच जाएगा पुलिस के। जुर्म की इस दास्ता में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक रहिए होशियार। जय हिंद।